subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. जी, मैं राजकुमार टेक्नोमोंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी से आपके लिए फिर एक नए प्रोडक्ट की वीडियो लेके आया हूँ। ये देख सकते हैं आपके सामने 100 लीटर मिल्क वेंडिंग डिस्पेंसिंग यूनिट है। ये डीसी मॉडल है, डीसी मतलब आपका डबल कंपार्टमेंट, 100 लीटर मतलब 50-50 लीटर के इसमें पार्टीशन है। आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में 50-50 लीटर का आपका कंपार्टमेंट है, दोनों में आपके एजिटेटर लगे हुए हैं और 50-50 लीटर का स्टोरेज टैंक है विद एजिटेटर के साथ, और ये आपका कूलिंग है पूरा, और इक्विलिब्रियम एजिटेटर का काम जो है इक्विलिब्रियम आपका कूलिंग करेगा चारों तरफ से। आप ये सामने से देख सकते हैं, ये जो भी आप इसके अंदर कंप्रेशन यूनिट लगी हुई है, और ये जो रेड लाइट है ये हमेशा ऑन रहेगी जैसे हम इस मशीन को ऑन कर देंगे। सेकेंड जो लाइट है ग्रीन, वो कंप्रेसर के लिए है, ये फिलहाल ऑन है, तो आपका ये 3 मिनट के बाद जो है आपका ऑन हो जाएगा। और एजिटेटर की ये आपकी ब्लू लाइन है, ठीक है, ये आपका 3 मिनट एजिटेटर चलेगा और 1 मिनट जो है आपका बंद रहेगा, तो 3 मिनट अभी चल रहा है तो आपकी जो लाइट है ऑन है। ये हमने इसमें सेटिंग की हुई है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। काव एंड बफेलो का कॉम्बो मॉडल है ये, इसमें आप मिल्क एटीएम पैनल है, आप देख सकते हो सामने से, हमने इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, एक ही पैनल से आपका डबल डिस्पेंसिंग यूनिट कर देगा काव एंड बफेलो दोनों वेराइटी का मिल्क। अभी मैं इसमें आपको डिस्पेंसिंग का मेथड बता देता हूँ, आप देखिए सामने से, इसमें से हम काऊ या बफेलो में से एक सेलेक्ट करेंगे, हम काऊ सेलेक्ट करते हैं, और इसका 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से सेटिंग है। और अभी हमने ये जार लिया 1 लीटर का और ये रखा 40 रुपये, हमने ये 500 ml का जो है बटन पुश करेंगे और कार्ड को स्कैन करेंगे यहाँ टच करके, ये आपकी डिस्पेंसिंग हो जाएगी 500 ml की, ठीक है। ये इसमें अभी वाटर आ रहा है आपका, इसमें मिल्क रहेगा तो मिल्क डिस्पेंसिंग होगा सेम, आप देख सकते हो इसमें, इसको आप समतल पे रखोगे आपका 500 ml जो है बिल्कुल सही दिखेगा। इसको हम पानी को जो है वापस यहाँ से लेके पीछे की तरफ डाल देते हैं वापस टैंक में। अब हम आपको 1 लीटर का दिखाएंगे, आप मशीन के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट पर देख सकते हैं, बाकी आपको लास्ट में मिल जाएगा। अभी हम जो है काऊ दोबारा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 40 सेकंड तक ही वो आपका रहेगा, ठीक है। अब हम 1 लीटर का ये बटन दबाया और कार्ड स्कैन किया, अब इसमें 1 लीटर की जो है डिस्पेंसिंग आ जाएगी, देख सकते हो आप डिस्पेंसिंग हो रहा है, और कार्ड का बैलेंस भी आपका इसके नीचे शो करता रहेगा मिल्क एटीएम पैनल में, और उसका पर जो प्राइस है वो डिडक्ट हो जाएगा उसमें से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ 1 लीटर, ये देखिए ये जा रहा है, अगर आपको सही तरीके से दिख रहा है तो, बाकी आप देख लीजिए। अब जो मैं आपको बफेलो के जो बटन दबा के आपको बफेलो वाले पार्टीशन में से हम मिल्क डिस्पेंस करेंगे, इसमें प्राइस और ये सब आपको डिस्प्ले में शो कर रहा है। 500 ml का मैं ये बटन दबाऊंगा और कार्ड को स्कैन करूंगा, ये मैंने कार्ड को स्कैन किया, ये देखिए बफेलो का जो मिल्क है मतलब जो आपका बफेलो वाले जो कंपार्टमेंट में वाटर है वो डिस्पेंस हो रहा है। अब मैं आपको ऊपर जो ये अमाउंट में जो डिस्पेंस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, 10 रुपये 50 रुपये, यहाँ पे इसमें आपका रुपीज़ का सिंबल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो ग्रीन जो स्टॉप लिखा हुआ है उसको आप बटन को दबाएंगे तो ml से ग्रीन हो रुपीज़ हो जाएगा। मान लो 15 रुपये का निकालना है तो 15, मैंने 15 दबाया, 15 रुपये इसमें वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैं कार्ड लगाऊंगा और ये आपका जो 15 रुपये का इसमें मिल्क आ गया है। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, 300 ml के आसपास करीबन आया हुआ है। इसमें अब बैक साइड में इसमें हमने वापस डाल दिया है टैंक में।